मैं सच हूं, तुम मुझसे ज्यादा सच हो। वादों की सूली पे लटके हुकुम, चोर बाजारी से लेकर कुर्सी की दीमक तक सब रद्दी के बाजार से मिलता है। सिर्फ दास्ताने हैं, लेकिन अब दास्तां गो कहानी को नया मोड़ देने वाला है। इन्वेस्टिगेटर, मैं सत्तार खान, कोई मेरे साथ हो ना हो, मैं सच के साथ हूं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे हाँ साहब नैब की, इसकी कारकर्दगी की। हाँ साहब, ये बताइएगा, अभी ये भी है कि पीटीआई में असद उमर ने एक लेटर लिखा है नैब को, क्योंकि वही वाली बात है कि दे आर सो एक्टिव राइट नाउ, तो उन्होंने भी एक और 4.5 साल बाद इनको याद आ गया अचानक। असद उमर ने पीटीआई के बिहाफ पे एक लेटर लिखा है, उसमें उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान स्टील मिल्स है, ये एक नेशनल यूनिट है और ये अपने बेजा रिसोर्सेज के इस्तेमाल से और करप्शन की वजह से ये यहाँ तक आ गया है कि नुकसान में जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसको भी आप देखें, इसके खिलाफ भी आप इन्वेस्टिगेट करें कि ऐसा क्यों है कि एक नेशनल यूनिट अपना इतने इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, उसके नेशनल रिसोर्सेज भी और सब कुछ, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी 4.5 साल बाद पीटीआई को याद आ गया अचानक से। ना पीटीआई का ये काम ही नहीं, मेरा ये काम ही नहीं। मैं एक स्पेसिफिक पाकिस्तान स्टील, ठीक है, बहुत बड़ा इदारा है, बड़ी करप्शन हुई है, बड़ी लूटमार हुई है, अच्छा ठीक है, और भी बहुत सारे इदारे हैं, व्हाई ओनली पाकिस्तान स्टील? क्योंकि थोड़े से तो इदारे हैं जो अब ये रह गए हैं हुकूमती, बेशुमार इदारे हैं। केड़ा इदारा है? इट्स द बिगेस्ट वन, मे बी ओल्ड वन, वो है, मुझे नहीं पता उसका रीजन क्या बना है, क्यों असद ने ये सिर्फ एक स्पेसिफिकली एक लेटर लिखा काम किया कि ये कर दें। अब याद आने उन्हें की बात नहीं है, एक्चुअली पीटीआई इस वक्त एंजॉय कर रही है क्या, किस बात को एंजॉय कर रही है, क्योंकि हुकूमत में कभी नहीं रही, नहीं हुकूमत में ना कभी रही। अच्छा, अब ये जो है स्टील मिल में कौन कौन नहीं है? नवाज शरीफ है, उसके क्रोनीज हैं, जरदारी है, उसके क्रोनीज हैं, तो पीटीआई के लिए बहुत अच्छा है ना कि अगर वो नैब करती है तो कौन निकलेगा? जरदारी निकलेगा, उसके बंदे निकलेंगे, शरीफ नवाज शरीफ साहब निकलेंगे, उसके बंदे निकलेंगे। यही चाहते हैं ना, यही तो चाहते हैं। वो देखे ना, उनको एडवांटेज यही है कि वो कभी हुकूमत में नहीं रहे, माजी से जुड़ी हुई कोई भी चीज होगी ना उसमें, वो जो है वो उसमें ऑटोमेटिकली या नवाज शरीफ साहब आएंगे या फिर आसिफ जरदारी साहब आएंगे या पीपल्स पार्टी आएगी, पीएमएल नवाज जाएंगे, तो आइडियल पोजिशन बैठे। ये तो होता है कि जब अगर उनकी हुकूमत भी रही हो, पीटीआई की भी पहले हुकूमत रही हो, एक दो दफा रही हो, तीन दफा रही हो, तो फिर ये बड़ा मुश्किल सा एक बन जाता है, क्योंकि अगला फिर कहेगा अच्छा जी पाकिस्तान स्टील खोल रहे हो तो पीआई को खोलो जहां पे पीटीआई फंस रही होगी। अब मुझे ये नहीं पता कि इस एक पाकिस्तान स्टील के पीछे क्या है, क्योंकि अभी बातें करते करते मुझे ऑफ एंड याद आ गया कि रियाज लाल जी हैं, आसिफ अली जरदारी के बहुत करीबी दस्ते राज समझे जाते हैं, रियाज लाल जी, ठीक है। अब रियाज लाल जी का खानदान, रियाज लाल जी के इंडस्ट्रियल यूनिट्स, वो भी स्टील का काम करते हैं, अरबों रुपए के करप्शन के केसेस की एफआईआर हुई हुई है, एफआईआर हुई हुई है उनके ऊपर, दो हुई हुई हैं, दो लेकिन वो खत्म कर दी गई, क्यों? नैब ने खत्म कर दी। यार मैं बता, इनकम्प्लीट चीज का मैं जवाब नहीं दे सकता। अच्छा, यार देखो ना, मेरी बात सुनो, मेरा एक पॉइंट होता है कि जनाब आपने कोई प्रोसेस शुरू किया तो उसे मुकम्मल तो करें ना, हतमी नतीजे तक लेके जाना, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ठीक है। हमें पता हो कि यार इसका एंड रिजल्ट क्या था, ये रिजल्ट आप दरमियान में बंद कर देते, हम भी बीच में लटक जाते, पता नहीं इन्होंने करप्शन की भी थी कि नहीं की थी, जिसका नवाज शरीफ साहब और उनका खानदान सारी जिंदगी फायदा उठाता रहा, इसी चीज का तो फायदा उठाता रहा कि कभी चीज कम्प्लीट ही ना हुई, मुकम्मल नहीं, और इन्होंने क्लेम कर दिया, देखें आज तक तो कोई चीज साबित नहीं हुई। हाँ। तो शरीफ खानदान से कोई पूछे, अगर प्रोसेस कम्प्लीट होता फिर आप दावा कर सकते थे, अगर प्रोसेस कम्प्लीट होता, इंक्वायरी है वो कभी कम्प्लीट ही नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन है कभी कम्प्लीट हुई, ट्रायल कभी कम्प्लीट नहीं हुआ। अब देखे ना, जब ये वापस आते हैं 8-10 साल बाद, जब जद्दे से वापस आते हैं, तो उन्होंने कहा हमारे खिलाफ केसेस कौन कौन से हैं, तो 6 केसेस होते हैं, 6 रेफरेंस, ये जाके अपील करते हैं, वो 6 केसेस खत्म कराते हैं, आगे प्रोसिक्यूटर जनरल बड़े मजे से बैठा होता है, ऐसे फ्री हैंड दे देता है, भैया आपने कंटेस्ट करना होता है, सरकार ने स्टेट ने जब उसकी किसी इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन को चैलेंज किया जाता है तो इन्हें कंटेस्ट करना होता है, अगर आप कंटेस्ट नहीं कर रहे तो आपको वॉकओवर मिल जाता ना, रेफरेंस खत्म, फिर उसके बाद ये कि सुप्रीम कोर्ट में जाना ही नहीं,
वाई भी जरूरत ही कोई नहीं है सुप्रीम कोर्ट में जाने की. ये तो होते हैं ना कोई पागल से लोग हों, सिर्फ ऐसे लोग हों, उनको लगाते नहीं है ना. नवाज शरीफ की हुकूमत लगाती थी, ना जरदारी साहब की हुकूमत लगाती थी, ना ही कोई और हुकूमत लगाती थी, ना जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत. वही तो आपने तो कहा भी था ना कि इनका क्राइटेरिया ही गलत है. भाई देखो ना, एक सिरफरा बंदा बिठा दो, जो बंदा जिसके केपेबल है वो तो करना ही नहीं है. ना कोई अब्बा होवे, ना कोई अम्मी होवे, ना कोई फुफा होवे, ना कोई चाची होवे, ना कोई मामी होवे, ना कोई साली होवे, ना कोई बनवाई. यानी कि हम ना ही समझे ऐसा कहां से बंदा ढूंढे. भाई एक बंदा किसी की परवाह नहीं ना करता. अब्बा भी चला गया, कहा भाई मैं आपको अकीदत आपकी अपनी जगह पर हाथ, मैंने तो सही वाला ही काम, मैंने ये करना उस तरह के सिरफरे लगाने शुरू कर दो. आपको तो चाहिए खास तौर पे जो इन्वेस्टिगेशन इदारे होते हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं, ये यहाँ पे सिरफरों की जरूरत होती है. आप उनको दें फ्री हैंड. मैं मुझे पता है फैये में ऐसे लोग हैं, आज आप उनको फ्री हैंड दे दें, खुदा की कसम मत मार देंगे. ऐसे ऐसे केस बन के आएंगे, सॉलिड केस होंगे, मजबूत केस होंगे, बच ही नहीं सकते यार, ये बच ही नहीं सकेंगे. लेकिन वो हुकूमत तो ना चाहेगी कि ऐसे पागल आ जाएंगे, क्योंकि उनके हत्या तो हुकूमत खुद चढ़ जाएगी. भाई देखो, जो सरफरे होते हैं, नट्स होते हैं, जिसको हम पागल कहते हैं, जिसने ना अम्मी का लिहाज करना, ना फूफी का लिहाज रखना, जेआईटी की तरह ना चाची का लिहाज करना. जेआईटी की रीजन और थी, उन्हें सरपस्ती मिल गई हुई थी. हालांकि ये वही लोग थे जेआईटी में, तीन चार को तो मैं पर्सनली जानता हूं. थोड़ा सा फ्री हैंड तो मिला ही होगा ना, तभी उन्होंने चलो काम यार. ऊपर से सरपस्ती सुप्रीम कोर्ट की मिल गई थी ना. अगर सरपस्ती ना मिलती सुप्रीम कोर्ट की तो जेआईटी काम नहीं कर सकती थी. क्योंकि जेआईटी में जो लोग बैठे थे, दो तीन को मैं जानता हूँ पर्सनल लेवल पे, उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा कि उन्होंने इतनी दिलेरी से काम दिखाया. वो तो पहली दफा उन्हें हुआ है कि भाई कोई सरपरस्त आला है हमारा, हमारे सर पे कोई दस्ते शफकत रखने वाला है, तो हम हुकूमत जो है ना हमें उस तरह से डांट नहीं सकेगी, ना हमारे साथ निपट सकेगी. तो तब ये रिजल्ट आया. अदरवाइज मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो मेरे ख्याल FIA में बैठे होंगे. नैब को मैं इतना नहीं जानता, क्योंकि नैब को एक जमाने में बड़ा प्रॉप किया हुआ है, कुछ चीज़ें अभी भी पड़ी हुई हैं. लेकिन FIA में कम अज़ कम मैं जानता हूँ कि ऐसे लोग बैठे हुए हैं, अब उनको फ्री हैंड दे दें. अब उनको, उन लोगों के साथ होता क्या है, यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे, यहाँ से उठा के यहाँ. यहाँ जहाँ वो बैठा हुआ था, वो चार केसेस को डील कर रहा था. अब ऊपर DG बैठा हुआ है, अफसरान भी बैठे हैं, डायरेक्टर भी बैठा हुआ है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल भी बैठा हुआ है, इंटीरियर में भी लोग बैठे हैं, मिनिस्टर भी बैठा हुआ है, सेक्रेटरी भी बैठा हुआ. अब उन्हें खटका है इस बंदे से कि हम जो चाह रहे हैं ये बंदा इतना काम नहीं कर रहा. ये इंक्वायरी अफसर है, ये इंस्पेक्टर है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर है, ये डिप्टी डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर है. उन्हें पता है इस बंदे की रिप्यूट है, हमारी बात नहीं सुनेगा. तो फिर इसको हटाओ भाई यहाँ से. वो उसको हटाओ वहाँ से, दूसरा अपना बंदा लेके आओ. वो जो दूसरा अपना बंदा आता है ना, उसका माशाल्लाह क्या स्टाइल होता है. वो देख रहा होता है, सर मैं की करना है दसो, अंदर करना है बाहर करना है. वो कह रहे ये अंदर करना है, अंदर कर देते, बाहर करना ही बाहर कर देते. अब देखो ना, तरीके दोनों आते हैं. इंक्वायरी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये कम अज़ कम एक्सपर्टीज उसके पास आ गई हुई है, क्योंकि जिस सिस्टम में वो है, जिस निज़ाम का वो हिस्सा बन गया हुआ है, उसको ये महारत आ गई है किसको अंदर करना है किसको बाहर करना. बातों की वजह से तो मियां साहब को आदत नहीं है ना, कि वो कह रहे हैं कि ये एहतसाब नहीं इंतकाम है. आदत नहीं है ना, शुरू से कभी अपने अपने तरह के बंदे उन्होंने अपॉइंटेड किए हुए थे. बात है कि झूठ की एक इंतहा होती है. सियासतदान एक काम करें कि हम इनके पुराने झूठ पुराने गुनाह माफ कर देंगे. ये एक दफा कह दें कि जी माजी में गलतियां हो गई थी हमसे कुछ कोताहियां हो गई थी. मैं ये नहीं कहता कि माफी मांगे बकायदा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, पाकिस्तान कल्चर ही नहीं है ऐसा. वो ये करके आइंदा के लिए तैयार करें कि झूठ भी बोलना है. कोई 5-7-8-10% बोलिया करो, 15% बोलिया करो, 20% बोलिया करो. नहीं, उन्होंने ये नहीं सोचा. वो तो इतना बड़ा झूठ बोलेंगे कि बंदा शक्ल देखता रहता है कि यार मैं अब क्या कर सकता हूँ, मुझसे बड़ा बेबस हूँ वरना जितना बड़ा झूठ इसने बोला है. बस अब क्या कहते हैं, होता ना कि वो झूठ भी बोलेंगे, उस पे कायम भी रहेंगे, और ये भी कह रहे हैं कि झूठ पीना पड़ता है. वही वाली बात है. अब वो ये कह रहे हैं, हाँ साहब, के पहले मैंने अदलिया के लिए तहरीक चलाई थी, अदलिया की बहाली के लिए, अब मैं अदल की बहाली के लिए तहरीक चलाऊं. अदल कौन सा, जो नवाज शरीफ जो उनके हक में होगा, बेल आउट कराए. एक मेरी बात सुनो, ये सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए. हम तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ कह नहीं सकते, उसके डिफाइंस में जाएंगे, क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं. चाहिए कि इनको तमाम इल्जाम से बरी कर दे, और कहें जाए जाओ तुम पे कोई आजाद हो, सारे इल्जाम बरी कर दें. खुदाए कसम ये कहेंगे जी इससे बेहतरीन मुल्क कोई नहीं है, यहाँ जस्टिस भी है, अदल भी है, अदलिया भी है, अदलिया आजाद भी है, जजेज बड़े जबरदस्त हो गए. कह रहे इंसाफ का सिक्का होना चाहिए, तरीके इंसाफ का नहीं. ये तो खैर सियासी बयान होते हैं ना, कि एक दूसरे को शिकायत बहुत है ना अदलिया से. वो शिकायत जब बाकियों को थी उस वक्त कहाँ थे, उस वक्त बाकियों को थी, माजी में कुछ और ऐसे लोग थे, कुछ और ऐसे
ادارے تھے, کچھ ایسے گروپس تھے, کچھ ایسی جماعتیں تھیں جن کو عدلیہ سے شکایت رہتی تھی, اس وقت یہ بڑا اچھل کود کرتے تھے. انہوں نے تو ٹیلی فون کے اوپر نا, ان کو جج اصل میں جس طرح کے ملتے رہے نا, ٹیلی فون پہ انسٹرکشن جاتی تھی, یہ بے نظیر کو ڈسکوالیفائی کر دو, یہ ہمارا بندہ ہے, اسے آپ نے فیور دینی ہے, اور یہ والا فیصلہ کریں. اگے جج کہندا سر جس طرح بھی جس طرح کہندے ہوں جو ہو جائے گا. اب وہ اس طرح نہیں ہے جج بھائی, آپ کی نہیں سن رہا, اب جج وہ برا ہو گیا, اب عدلیہ بھی انصاف نہیں کر رہا. ہمیشہ کہتے ہیں آتے بگڑی ہیں نا, اس آتے بگاڑنے کے لیے, اس آتے بگاڑی ہوئی, جب بگڑی ہوئی آتے ہمارا جو بچہ ہوتا ہے لاڈلا ہوتا ہے, لاڈلے ہیں یہ بنے ہوئے. وہ زور سے زیادہ جب ہم ان کے نخرے اٹھاتے ہیں نا, تو پھر وہ کہتے ہیں یار یہ ضدی آپ نے بچے کو بنا دیا, اب تو یہ رکتے, اب کچھ نہیں ہو سکتا, اب یہ تو چاند مانگ رہا ہے کھیلنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے یہ سیاسی طور پہ بڑے لاڈلے رہے ہیں. شریف خاندان اتنا خوش قسمت خاندان رہا ہے, سیاسی طور پہ اتنے لاڈلے رہے ہیں, پہلے اسٹیبلشمنٹ انہیں پالتی رہی, فیڈر میں دودھ دیتی رہی, ضیاء الحق صاحب اس وقت کی جو ان کی گود میں سے, تو یہ ٹھیک ہے, پورا ان کو پروان چڑھایا. جب یہ پروان چڑھ گئے تو انہوں نے کہا اب میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں گا. پھر یہ لاڈلا جو بچہ تھا نا اسٹیبلشمنٹ کا نواز شریف, پھر جب یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا میری فالوئنگ ہے, لوگ مجھے ووٹ دیتے ہیں, میں پاپولر ہو گیا ہوں, پاپولر باڈیز کا حصہ بن گیا ہوں. پھر انہوں نے اس نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہے. ٹھیک ہے, اب وہی ان سے پوچھا جائے کہ جناب آپ دیکھیں, آپ کہتے ہیں بھٹو, آپ کہتے ہیں شریف, اب بھٹو کو کون لایا تھا؟ جنرل ایوب خان لے کے آیا تھا. نواشی کو کون لایا تھا؟ جنرل ضیاء الحق. اب ان سے پوچھا جائے جناب آپ یہ تحفے تو آپ نے دیے, آپ خود نے خود ہی دیے, آپ نے یہ تحفے جن کو آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جن کی وجہ سے آپ کو بڑی پرابلم, لایا کون تھا؟ میں لایا تھا یار, فریا لائی تھی, ہماری تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے. بھٹو بھی آپ نے دیا, ایک جرنیل نے بھٹو دیا, دوسرے جرنیل نے یہ دیا, نواشی دیا, اب آپ کہہ رہے ہیں وہ اکیلا بھی نہیں آیا نا, وہ پورا خاندان ہی لے آیا. میں بات کہتا ہوں نا, یہ اگر آپ کو اب دیکھنا, کوئی جنرل پرویز مشرف کے دور میں کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا کہ نواز شریف بھی فارغ ہے اور بے نظیر بھی فارغ ہے, لیکن چودھری برادران ٹھیک ہیں, باقی لوگ ٹھیک ہیں جو کاف لیگ میں چلے گئے تھے. اب آپ خود بھی مثالیں قائم کرتے ہیں, سیاستدان غلطی کرتا ہے, سیاستدان کو ٹھیک ہے, ہم لوگ تو سیاستدان کو کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ساتھ یہ جو ڈکٹیٹر آتے ہیں ان سے کوئی پوچھے, چن کے بندہ نکالتے ہیں. یعنی کہ پورے اس میں دیکھے, جب یہ نواز شریف صاحب کا چیف منسٹر بنایا جا رہا تھا نا, اب دیکھو کیسی بات ہے, محمد خان جنیجو کو بنا دیا گیا تھا وزیر اعظم پاکستان. اچھا, اب جنرل ضیاء الحق کی حکومت ہے, نان پارٹی بیسس پہ الیکشن ہوئے ہیں, محمد خان جنیجو صاحب اپنے حلقے کا الیکشن بڑی مشکل سے جیت سکتے تھے, اپنے حلقے کا الیکشن تنے تنہا بہت مشکل سے جیت سکتے تھے. پیپل پارٹی کا بندہ کھڑا ہو ضمانت ضبط ہو جائے محمد خان جنیجو صاحب کی, لیکن ان کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا. ٹھیک ہے, اس کو بنا دیا, اب آگے چیف منسٹر لگنے تھے سارے صوبوں میں, پنجاب ہے بات ویری امپورٹنٹ, تو چار کینڈیڈیٹ تھے, چوہی پرویز لائی تھا چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ, ملک اللہ یار خان تھے چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ, حسن مخدوم احمد وہ تھے چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ, حسن مخدوم وہ تھے چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ, یہ چار کینڈیڈیٹ تھے, یہ چاروں کی پوری بیک گراؤنڈ ہے سیاست میں, ان کو سیاسی گھرانوں سے تعلق تھا, یہ چاروں کینڈیڈیٹ تھے. اب محمد خان جنیجو صاحب نے ان چاروں میں سے کسی ایک کو چننا تھا چیف منسٹرشپ کے لیے پنجاب کے لیے. محمد خان جنیجو لاہور گئے تو یہ چاروں ہار لے کے محمد خان جنیجو صاحب کے انتظار میں کھڑے تھے ایئرپورٹ پہ, اس کے بعد میٹنگ ہوئی, اگلے دن محمد خان جنیجو صاحب نے واپس اسلام آباد میں آنا تھا, وہ جہاز پہ تھے تو جنرل لیفٹیننٹ جنرل غلام جنانی خان جو گورنر پنجاب تھے اس وقت, انہوں نے ان کا نام اناؤنس کر دیا نواز شریف صاحب کا, شہری بابو اس وقت کہا جاتا تھا ان کو. یعنی کہ چن کے آپ لائے ہو, ایک پولیٹیشین کی پوری بریڈ پڑی ہوئی جن کا پولیٹیکل کیریئر ہے پورا, آپ نے کہا نہیں ہم نے ایک نیا بندہ سلیکٹ کیا, یہ شہری بابو ہے, یہ اب پنجاب اس کے حوالے کریں گے. آج آگا آ کہتے ہو کہ یار یہ شہری بابو جو ہے نا یہ بہت کرپٹ ہے. آپ پتہ شہری بابو میں تو بڑے مسئلے نکل آئے ہیں, بڑے مسئلے نکل آئے کیونکہ آپ کے اپنے مسائل ان کے ساتھ جڑ گئے, جڑ گئے آپ کا ان کے اس کی وجہ سے آپ کے مسئلے کھڑے ہونے شروع ہو گئے, تبھی جا کے آپ کو ہوش آیا, تحفہ آپ نے دیا تھا. ٹھیک ہے, ہاں صاحب بہت بہت شکریہ. یہ جو نیب کا تھا, نیب کا تھا, اگر اس وقت جنرل پرویز مشرف کمپرومائز نہ کرتے, اس کو ٹول کے طور پہ نہ استعمال کرتے, تو یہ جو قصے آج نکل رہے ہیں نا, یہاں تک نوبت ہی نہ آتی ہے نا, 17 سال پہلے نا, 15 سال 14 سال 16 سال پہلے نا,
ये ऊंट किसी करवट बैठ चुका होता, ये किस्सा ही खत्म हो चुका होता, ये वाली नौबत ही ना आती। आज हम लोग कुछ और बात कर रहे होते, कुछ और बात कर रहे होते, और ये माजी के किस्से होते हैं सारे। ये जो शरीफ्स हैं, ये जो चौधरीज हैं, ये जो मलक्स हैं, ये जो सरदार्स हैं, ये जो जरदारीज हैं, ये माजी का हिस्सा बन चुके होते हैं, लेकिन आज फिर हमारे पे मुसल्लत है और आपकी वजह से, और हम मेरी वजह से, ठीक है हसन, नहीं नहीं जिनकी वजह से मैं कह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वक्ता, हमारे पास इतना ही। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम को समअप मैं यहाँ पे करती हूँ कि जब तक हम एक बहसियत कौम अपने ज़ाती मुफादात और सियासी मुफादात को भुला के कौमी मुफादात की तरफ नहीं आएंगे, मुल्क तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इज़ नॉट ओनली फॉर दैट व्हाट वी हैव डन बट ऑल्सो फॉर दैट व्हाट वी हैव नॉट डन वी आर अकाउंटेबल फॉर। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मैं सच हूं, तुम मुझसे ज्यादा सच हो, वादों की सूली पे लटके हुक्म चोर बाजारी से लेकर कुर्सी की दीमक तक सब रद्दी के बाजार से मिलता है। सिर्फ दास्ताने हैं, लेकिन अब दास्तां गो कहानी को नया मोड़ देने वाला है। इन्वेस्टिगेटर, मैं सत्तार खान, कोई मेरे साथ हो ना हो, मैं सच के साथ हूं।